दिस इज़ मी फरहा चौधरी, वेलकम टू माई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। तो भाई ईद वाले दिन मैं शुरू का पार्ट जो होता है वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी और ये आवाज़ें कभी बंद नहीं होगी, मैं यहीं से रिकॉर्ड करती क्योंकि मुझे यहाँ आके रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, नहीं भी पसंद आए तो भी अच्छे अच्छे कमेंट कर दिएगा। आप चलते जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना एज अ टोनर रोज वाटर लगा लिया है, अब मैं लगाऊंगी सेटा फिल का मॉइस्चराइजर। अब पीछे सोनिया जी फाइन बैठी हुई थी, रेडी हो रही है, ठीक है। मॉइस्चराइजर थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में लगाऊंगी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है, मेरी गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से सारा मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर मेरी स्किन में सेट हो चुका है, मैं लगाऊंगी फिर प्राइमर। ये प्राइमर लगा रही हूँ और मेरा पंप टूट चुका है इसलिए मैं ऐसा लगा रही हूँ, आप पंप से भी लगा सकते हो, ठीक है। इसको लगाते देखना शाइनिंग से आ जाएगी फेस पे। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा, और मेरी स्किन को तो बहुत सूट करता है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना, ये देखो कितना ग्लो आ जाएगा एकदम। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे लगाने के बाद। मैंने अपने प्राइमर को 2 से 3 मिनट लगा के छोड़ा है तो मैंने सोचा मुझे भूख भी लगी इसलिए क्यों मैं चने खा लूँ। अरे वो कैसे तो मेकअप चल रहा है और वो परेशान कर रही है, ये होता है। तो मैंने आज लेंस वेयर करे हैं ग्रे कलर के, तो बताना कैसा लग रहा है कलर। ये मेरी मेहंदी, अभी मैं फेक नेल्स भी लगाऊंगी अपने इसके ट्यूटोरियल के बाद लगाऊंगी, थोड़ा रेडी होने के बाद, मैंने वो गंदे हो जाते हैं मेरे से। प्राइमर भी सेट हो चुका है, अब मैं लगाऊंगी FX 27। ये सूत्रा का कलर है और मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। जिसकी ऑयली स्किन हो तो ऐसे मौसम में बिल्कुल भी यूज़ करना, मतलब गर्मियों में यूज़ मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट होता है। और जहाँ जहाँ पर डार्क स्पॉट है वो उनको हाइड करूँगी और डार्क सर्कल भी इसी से करूँगी। आप देखोगे दोनों में फर्क एकदम कितना हाइड है, देखो। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हो और चाहे तो पफ की हेल्प से भी कर सकते हो, हल्का सा एज के ऊपर भी लगा लेते हैं जिससे एक इवन टोन आ जाए। अब मैं अलग से ईद का ब्लॉग इसको शूट कर रही हूँ, कुछ भी पहले आ सकता है ये भी और ईद का ब्लॉग भी। अच्छा जी, अच्छा जी, और मैंने पूरे रमजान सोनिया बाजी की क्रीम यूज़ करी है जो सोनिया जी खुद बनाती हैं और उनका सोप भी। तो आप देख सकते हो मेरे डार्क स्पॉट बहुत बड़े बड़े थे और ये बहुत ज़्यादा हाइट छोटे हो चुके हैं, हाइट बड़ी होंगी ये अभी थोड़ा बहुत दिखा है, पर अब देखते हैं 1 महीने बाद और कि कितना क्या रिजल्ट आता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ेंगे, 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ दो, फिर मैं अपने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी, ठीक है। मैंने अपना करेक्टर भी ब्लेंड कर लिया, मैंने 2 फाउंडेशन को मिक्स करा ये रहा और अब इसको लगाएंगे। मैं फिंगर से इसलिए करती हूँ क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छा फाउंडेशन ब्लेंड होता है। मैं अपना पूरा हाथ से ही ब्लेंड करूँगी, बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से करूँगी लास्ट साइड जो ब्लेंड करके आती हूँ। मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है, अब मैं लगाऊंगी अपना फॉरएवर 52 का कंसीलर और ये तो बहुत कम क्वांटिटी में। टन टन की आवाज़ आज आती रहेगी आप लोगों को। और सब प्रोडक्ट मैंने कौन कौन से यूज़ करा वैसे मैं बता रही, जिसका ना बता पाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और फिर मैं आपको बता दूँगी, उसका रिप्लाई दे दूँगी पक्का। तो मैं पूरा मेकअप ना फोन में देख के कर रही हूँ ना, इसलिए इधर देख रही हूँ, इधर नहीं देख रही। अब इसको 1 से 2 सेकंड छोड़ेंगे, मिनट नहीं छोड़ूंगी, सेकंड छोड़ूंगी और फिर इसको ग्राइंड करके आप लोगों से मिलती हूँ। आज करेंगे हम ये आई मेकअप, मैंने एक आई का पहले कर लिया था और अब एक आई का आपके सामने करूँगी। तो मैं पहले यूज़ कर रही हूँ एले कलर की और इसमें से मैं एक शेड यूज़ करूँगी, एक डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड करूँगी और डार्क आउटर कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद लाइट कलर लेके क्रीज लाइन पे ब्लेंड, तो क्रीज लाइन मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब मैं लूँगी डार्क और उसको आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करूँगी और फिर पूरी आई लाइनर उसको फिल कर दूँगी। अब मैं लूँगी एक एक गोल्डन और सिल्वर ग्लिटर, इन दोनों को मिक्स करूँगी और लगाऊंगी अपनी पूरी लिड पे लगाऊंगी अपनी पूरी बोलते बोलते शुरू होगी, ये लगाने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अच्छा लगेगा। अब लगाऊंगी मैं अपना फॉरएवर 52 का काजल, इसको पहले नीचे स्प्रे करूँगी, फिर पास दिखाऊंगी। अब इसको मैं अपर लैश लाइन पे फिल करूँगी, अच्छे से फिल करना ताकि थोड़ा स्मोकी लुक आए। अब आई लिड को थोड़ा सा अपनी आँख को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और
जहाँ बिल्कुल आपके लैशेज हैं, जैसे लाइनर लगाते हैं सेम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी डार्क ब्राउन कलर से और इसको ब्लेंड करूंगी लाइट ब्राउन कलर से। मैं ब्लैक से नहीं करूंगी, अगर ब्लैक से करूंगी तो ज़्यादा ओवर लगेगा। अगर ब्राउन से कराए देखिए आप तो ये कितना प्रिटी लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, स्मोकी इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं ब्लैक से करूंगी तो बहुत ज़्यादा ब्राउनी साइज लगेगी, तो मैं वो भी आपके सामने करूँगी। लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ मैं, ये वाला जो ऊपर लेड पर लगाया था, इसको डस्ट आउट करेंगे और अपने काजल को ब्लेंड करेंगे। मैं पास से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। इससे पता है क्या होता है, हमारा काजल इससे फैलेगा नहीं अगर हमने अपने आई शेडो से इसको लॉक कर देंगे। अगर मैं लॉक नहीं करूँगी तो काजल फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लेंड अब ऊपर वाले को डार्क ब्राउन से करूँगी। तो मेरी दूसरी आई का मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है और मैंने मस्कारा मतलब ऑफ कैमरा लगा लिया था। अब मैं लगा रही अपना फेसिस कैनेडा का ब्लशर पिंक स्टोन में, और पहले मैंने लिक्विड ब्लशर लगाया था। अगर आप लोगों को पूछना है कि मैंने लिक्विड ब्लशर कौन सा लगाया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और फिर मैं बताऊंगी। और ये बिल्कुल मैंने लोकल यूज़ करा है, पहले बता दूँ, और इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा। अब आया है मेरा फेवरेट पार्ट, तो मैं लगाऊंगी हाइलाइटर और मैं थोड़ा शैम्पेन कलर को और पिंक कलर को मिक्स करूँगी। थोड़ा पिंक इसलिए क्योंकि मेरे थोड़ा ग्रे कर रहा है। मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है, तो कमेंट बॉक्स में बताना किसको। मैं फुल पे नहीं लगाती, मैं हल्का सा हाइलाइटर ना लगाती हूँ, हल्का सा अपनी टिप पे या फिर रहती है। मैं लगाऊंगी ये चार लिपस्टिक, मतलब ये तो ग्लो से आज मैं करने वाली ग्लोसी लिप्स, और ये ब्राउन को और पिंक को मिक्स करके लगाऊंगी, अपना शेड बनाऊंगी और पर्पल से पर्पल से लिप लाइन करूंगी। अपने ग्लोसी लिप्स मैं सोच रही हूँ चलो कर लेती हूँ कपड़े पहनने के बाद ग्लोसी लिप्स करूँ। हाँ तभी करती हूँ और आपको बस कपड़े पहनती हूँ और दिखाती हूँ। सो गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ जब फहीन आ जाती है। हाँ जी, तो ये है मेरा फाइनल लुक। ये ड्रेस मैंने वेयर किया था और बालों में थोड़ा सा कर्ल्स वगैरह डाले थे। और अगर आप इसका ट्यूटोरियल भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये ट्यूटोरियल दे पाऊँ कर्ल्स का। और मैं अपने यहाँ नेल्स दिखा रही जो कि मैंने फेक नेल्स लगाए थे। उम्मीद करते हो आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।